आप पापा, आप चिंगा के बंदरों के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बधाई हो नागपंचमी की। हेलो गाइस, आई एम नी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि आज है नागपंचमी और आप सभी को नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो भोले बाबा आप लोगों पर कृपा बनाए रखे, दूसरे बाद हमारे इष्ट देव, हमारे मैत्री देवता खाला पंचनाथ जी आप पे अपना आशीर्वाद और हम सब पर भी बनाए रखे। तो बस हम चलते हैं नागपंचमी के प्रोग्राम में। जो पहले से मेरे इस व्लॉग में है उन लोग को पता है कि हम लोग हर साल नागपंचमी सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस साल जो है वो है, पिछली बार तो यहाँ स्काई गार्डन में था ना, इस बार हमारा जो कि मायके वाले का जो नागपंचमी का प्रोग्राम है वो इस साल है यहाँ पे, ये महालक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में। तो वहाँ चलते हैं, फिर आप लोग को मिलाती हूँ और दिखाती हूँ आज का प्रोग्राम। और जब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ तब तक आप हमारे जो पौराणिक गाँव है हमारा बांपा, वहाँ का प्रोग्राम देखिए, जो कि वीडियो मेरे व्हाट्सएप में आई थी, कहीं से मैंने ले ली थी। एंड दूसरा उसके बाद जो गोपी शर्मा होता है, मतलब अलग 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 जगह, सब जगह हम ये त्यौहार मनाते हैं, जो जहाँ भी रहता है वहाँ ये त्यौहार मनाता है। एंड आप लोग को उसकी क्लिपिंग्स दिखाती हूँ, उसके बाद आपको देहरादून के नागपंचमी प्रोग्राम में ले चलती हूँ। चलिए बाय बाय। स्कूटर से पर कोई दिख नहीं रहा है, ये है गेस्ट हाउस, देखते हैं कहाँ पे है सब लोग। ये हमारा महालक्ष्मी वेडिंग हॉल जहाँ हम पहले भी आए हैं रात के टाइम पे। भगवान जी के दर्शन करते हैं, ठीक है। Thank you.
तुम से कोई हो या सवाल करने वाले छिनका के बंदर कैसा लगता है? आज मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, छिनका के बंदर कैसा लगता है? ठीक है, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आज का नाम क्या है? सौम्या। सौम्या अंशिका, दोस्तों तो मैं पहुंच चुकी वेडिंग हॉल में, अंदर से पूजा भी कर ली और यहाँ मेरे स्वागत में छोटी छोटी कन्याएं, देखो। हेलो, जय पहला पंचनाग। जय पहला पंचनाग। आप लोगों को बांपा कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कितना अच्छा बांपा या माणा? एक्चुअली सवाल मुझसे किसी ने किया था ना, इसलिए मैं इनसे कर रही हूँ। अब मैं आज इनसे एक और सवाल करने वाली हूँ कि इनको छिनका के बंदर कैसे लगते हैं, बताना। तो कैसे लगते हैं छिनका के बंदर? बहुत सुंदर लगते हैं, इनको तो बहुत अच्छा लगता है। इनके अब एक एक स्टोरी में डालूंगी किसके किस किसम कौन सी कहानी हुई है। ठीक है, स्वागत में आज यहाँ पर यूट्यूबर स्वागत में खड़ी है आज। झाड़ियों की जय। नमस्तेबाजी, नमस्तेबाजी, कैसे हो? बधाई हो। गरिमा क्यों नहीं लेके आया? गरिमा क्यों नहीं लेके आया? इधर यार के आ गया है, उसको बोला यहाँ आ जाए थोड़ी देर में। हाँ, तो क्या वो बस में नहीं आती थी मम्मी के साथ? क्या अभी भी आ सकती है? सब मिलता है। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़िया भी है यहाँ पे, देखो। क्या ये चाय? थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पानी पी रहे हैं और कीर्तन भजन हो रहा है, और ये सौम्या जैसे वहाँ पे गए मेरी वीडियो बनाते तो गाने खत्म हो गया। और ये झाड़ियाँ आ रही है, धीरे धीरे करती है।
चलो रील बनाया यहाँ पर मैं बनाए। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं बाहर, ऐसे नहीं कि अंदर कुछ काम चाय पानी पिला ले, बस मूर्ति बन के यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे खड़े हो जा भैया। माय गॉड, बेचारे मेरे भाइयों को ना कब से खाना नहीं मिला होगा। नहीं कैसे बैठ रहे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल पार्टी मारे खा रहे, कब से नहीं मिला खाना। ये विपिन भाई तो ज्यादा मुँह छुआ रहा, अरे दिखा दे ना प्लीज मुँह तो दिखा दे यार। तो जैसा कि आदेश हुआ है आरती के लिए
तो ध्यानियों से और हमारे वरिष्ठ भाई इंद्र सिंह पाल जी, पुष्कर सिंह पाल जी, मंगल सिंह पाल जी, भाई जगम भाई भानु सिंह और भाई जो है डॉक्टर साहब जोश भाई से और राजू भाई से अनुरोध है। पीछे राजू ऐसा इतने दूर से आया है सिंगी वाला से, उनसे भी अनुरोध है कि यहाँ पे आके जो है पूजा में जो है 18 से आपकी ध्यानों में करेंगे, तो सभी ध्यानों से अनुरोध है कि आगे आके आप लोग जो है इसके जो है आरती करेंगे। सभी ध्यानों से अनुरोध है क्यों सुना रही है रोली नाच बहुत जल्दी आई हुई मेरी बहन, बोलते थे खाली खाना, ये बोलते थे खाली खाना खाना आऊंगी, बोल मैं 3 बजे। धन्यवाद धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं भाभी की तरफ से। ये हमारी एक दीदी, देखो कैसे हो, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगता है आपको प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है कि क्या करते हैं, खुशी से खाना नहीं खाया जा रहा, खाना ही नहीं खाया जा रहा। चलो ठीक है दीदी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इंजॉय करो। चलो अब खाना दिखाते हैं आप लोग को, हम मेरे को डाल दे इसमें रायता, ऐसे डाल रहे रायता कटोरी में, भाई टोकरी नहीं है, ऐसे नहीं मेरी बहन, भाई कटोरी नहीं है,
एक तो लेट आती है, ऊपर से खाना भी ढंग से खाना भी नहीं दे रही ढंग से। मेरे में भी डाल दिखाना भी तो पड़ता ना फोन से। बस ये है रायता भी है बुआजी, मतलब दिहाड़ी बांपा की दिहाड़ी हो ना आप भी मेरे को भी देना प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, चम्मच नहीं लिया क्या हमने? और दे, खाएगी मैं जितना भी खाऊं तुझे क्या? और तो बोली कितना खाएगी मैं, अगर अपने घर का खाना दे रही है जो सर मारी पूरी खाना पूरी पूरी क्यों खाऊं मैं? चावल दाल खाने वाली हूँ, दाल और डाल। हाँ डाल ना जल्दी से, बाजी को डाल दे पहले। हाँ अब पक्की होने वाली दुल्हन, अब दुल्हन पक्की होने वाली है, बच्ची पक गई छोड़ ही नहीं रही अब जी डालियो। कितनी सब्जी खाएगी भाई? मैं जितना भी खाऊंगा मुझे सब दिखाना है, कितना खाएगी कितना खाएगी तुम्हारी। बस बस, और ये है पूरी खीर, एक पूरी भी डाल लेते हैं। क्या है यार, जी टाइम उन्हें पलटी मार दी यार खाली। जैसे हमारे खाना खाने वाली टीम है, ये हमारा प्यारा सा धर्मेंद्र भाई जो मुंह छुपाता है हमेशा। ये हमारे बांपा के तो बहुत ही प्यारे भैया है हमारे। हेलो भैया, कैसे हो आपके? आप दोनों दोस्त हो? अच्छा, आप बांपा, आप चिंगा के बंदरों के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? थप्पड़ मार दो बंदरों को पहले तो नहीं, हमको मारते थप्पड़ बंदर। ओ माय गॉड, आपको अच्छे लगते बंदर चिंगा के? चिंगा के बंदर अच्छे लगते आपको? बंदर नहीं वैसे तो अच्छे नहीं लगते, पर एक लाइन बोलना पड़ेगा चिंगा के बंदरों के बारे में, बोलो बंदर। आप बोलो क्या बोल रहे हैं? चिंगा के बंदर कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छे हैं, देखो सब यही दिख रहे हैं देखो ये भैया ने बहुत अच्छा आंसर दिया भाई, भैया ने तुझे बंदर बोला, चिंगा के बंदर यही घूम रहे बोला उन्होंने। देखो बोला ना, बोला भाई चिंगा के बंदर यही घूम रहे बोला सब, मतलब आपने बब्बी का सब बोला, वो तो बब्बी तो छोटे छोटे और दो बंदर यहाँ देखो, इनको बोला ना बगल में तो मुँह छुपा रहे भाई वो मुँह। रुको रुको, अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है तो मैं आपसे मिलती हूँ उस नेक्स्ट व्लॉग में जो कल शाम 6 बजे डालूंगी, इसी के आगे कंटिन्यू होगा वो व्लॉग। एंड एक्चुअली व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, आधे घंटे का तो हो चुका है, बट मैं नहीं चाहती कि कोई भी मोमेंट आप लोग मिस करो, इसलिए मैं सब कुछ दिखाऊंगी। और बस अब हम पार्ट टू कल अपलोड करूँगी, फिलहाल मैं इतना डाल देती हूँ ताकि आप लोग, मुझे पता है वेट करेंगे मेरे व्लॉग का, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को डाल देती हूँ एंड आप लोग इतना देखिए, बाकी पार्ट टू आपको कल दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग जिसमें हम लोग को विदा किया गया। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को इन्जॉय कीजिए और हमारे गाँव के कल्चर में खो जाइए। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए व्लॉग के साथ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो करना ही है आप लोगों ने। तो बस मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय पहला पंचनाग।